हरियाणा के मेवात से गुजर रहा दिल्ली मुंबई हाईवे पर रीठट गांव के पास आज दो सड़क हादसे हुए हैं। देर रात एक अनारों से भरी गाड़ी पलट गई तो वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार में एमजी हेक्टर गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में गनीमत यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ बल्कि माल का नुकसान जरूर हुआ है। हादसे में 3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगने का समाचार मिला है। पहला हादसा आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई रोड के समीप रीठट गांव के पास रात्रि को 1 बजे के करीब अनार से भरी आइसर गाड़ी पलट गई। ड्राइवर को नींद का झोंका आने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। चालक और परिचालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। आइसर गाड़ी में करीब 2000 अनार के बैग बताए जा रहे हैं। अनार से भरा आइसर ट्रक गुजरात से दिल्ली जा रहा था। जैसे ही रीठट गांव के पास पहुंचा तो ड्राइवर को नींद के झोंके आने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और अनार से भरा ट्रक पलट गया, जिसे फ्रूट मालिक को 2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा हादसा भी इसी जगह पर हुआ है। यह हादसा दिन में करीब 10:30 बजे हुआ। एमजी हेक्टर गाड़ी तेज रफ्तार की वजह से डिवाइडर से जा टकराई। इस कार में अकेला ही व्यक्ति सवार था जिसके हाथ में मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि जैसे ही गाड़ी डिवाइड से टकराई तो उस समय रीठट गांव के मेवाती लोग अपने खेतों में धान की फसल लगाने में व्यस्त थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें अपना काम काज छोड़कर मदद के लिए दिल्ली मुंबई हाईवे पर की तरफ वहां दौड़ लगाई और तुरंत एमजी हेक्टर में घायल व्यक्ति को बाहर निकालकर उसकी मदद में जुट गए। बता दें कि रीठट गांव के जैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी देते हुए कहा है कि रीठट गांव के समीप दिल्ली मुंबई हाईवे का रोड पूरी तरह से खराब हो चुका है। रोड ऊबड़ खाबड़ में तब्दील हो चुका है। सड़क समतल नहीं है जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। इस जगह पर दर्जनों हादसे हो चुके हैं तो 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लोगों ने मांग की है कि इस रोड को दोबारा से रिपेयर किया जाए ताकि लोगों की जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके और सड़क हादसे नहीं हो। आप देख रहे हैं नुहमेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। नुकसान हुआ है 2-3 लाख रुपए का। चैनी में 4 बंदे हम इसको भरने को आए हैं। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है और ये इसका सारा माल खराब हो गया है। गाड़ी में बहुत फ्रैक्चर हुई है और भाई इसको हर जगह कर देना।